ओलंपिक संघ और खेल संघ नहीं होते तब तक खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते। वो ओलंपिक संघ के गठन से जो शासन के द्वारा जो लाभ मिलता है, खेल निदेशालय के माध्यम से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, वो सब इसके द्वारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। खेलकूद प्रोत्साहन समिति बनी है, जो उभरते हुए खिलाड़ी होंगे उनको आर्थिक सहायता मिलती है, उनके ट्रेनिंग के लिए मिलती है अगर बाहर जाएंगे तो। अगर इस संगठन नहीं होता है तो ये मुश्किल होती है कि उनको वो लाभ मिल सके। तो वो ये संगठन की वजह से इनको मिलना, खिलाड़ियों को सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। सर, आज का कार्यक्रम का इसका क्या उद्देश्य है? आज का मेन उद्देश्य है कि ओलंपिक संघ का हमने गठन गुड़गांव में विधिवत आज कर दिया, इसकी घोषणा और इसको मान्यता प्रदान कर दिया उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ से। आज से उत्तर जिला ओलंपिक संघ गुड़गांव विधिवत गठन हो गई, इसको पूर्ण मान्यता मिल गई। मान्यता मिलने से कि जो हमारी आगे की गतिविधियाँ होंगी, जो भी और खेलों के संघ यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर जो खिलाड़ी होंगे जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है रीजन में, स्टेट में, तो वो सब मिलने लगेगा और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ की जिम्मेदारी सर किसको दी गई है? यहाँ की जिम्मेदारी अमित शर्मा जी को दी गई है, दीपक शर्मा जी चेयरमैन है। उसके बाद जो है अध्यक्ष संजय महेश्वरी जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत पाल सिंह जी हैं उपाध्यक्ष। उस कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, जरूरत होगा तो जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर होगा वो होगा, उसके अगर यहाँ से नहीं जिला अधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर होता है वो उसके कोऑर्डिनेटर होते हैं, सचिव होते हैं, और ओलंपिक संघ और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होता है उसका मेंबर होता है। तो विधिवत इसकी गठन और इसके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी अब प्रोत्साहित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा ये था, खेलोगा इंडिया और खिलेगा इंडिया। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा ही छठा ओलंपिक था, सिडनी ओलंपिक 2000 में, 2004 में एथेंस ओलंपिक, 2008 में बीजिंग ओलंपिक, 2012 में लंदन ओलंपिक, 2016 में टोक्यो ओलंपिक में था, और अभी अभी जो सॉरी टोक्यो रियो ओलंपिक में था, और अभी टोक्यो ओलंपिक से लौटा हूँ जितने। तो आप ये जान लीजिए कि इतने में देखा, पहले हमारे खिलाड़ी जाते थे वो खेलने में भाग लेने के लिए जाते थे, आज पदक लेने के लिए गए और उसका नतीजा मिला कि हमको पदक भी मिला, फर्स्ट टाइम जमने में गोल्ड मेडल भी मिला। तो हमारा ये खिलाड़ी अब बहुत से खिलाड़ी ऐसे रहे जो चूक गए, कम से कम दो मेडल तो हमारे कुश्ती में एकदम चूक गए, पॉइंट मतलब फोर्थ आठ रह गए हमारे, और आपके गोल्फ में रह गए। तो बहुत से हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पदक से चूक गए, लेकिन अब पहले हम केवल रिक्रिएशन के लिए हमारे खिलाड़ी भाग लेते थे, हम भाग लेने से संतुष्ट हैं। अब हमारे पास संसाधन बढ़ा है, आज ये जान लीजिए जो खिलाड़ी ओलंपिक में एशियन में पदक लेता है रातों रात करोड़पति बन जाता है। तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। आज हर पेरेंट भी जाता है, पहले खाली क्रिकेट देखता था, हम ओलंपिक खेलों के प्रति लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक किन किन जिलों में गठन हो चुका है आपकी? उद्योग अभी 68 जिलों में हमारे गठन हो चुकी है ओलंपिक इकाई, और फिर इसके रीजनल स्तर पर भी इसकी गठन कर रहे हैं, हर सारे रीजन में हो चुके हैं, कुछ सुदूर क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं उनको भी जल्द गठित कर दिया जाए।